दोस्तों किसमें निकलेगा ज्यादा शैम्पू, 1 रुपए वाले 150 पैकेट में या फिर 150 रुपए वाली एक बड़ी बोतल में? चलिए देखते हैं। इसी एक्सपेरिमेंट को किया है एक्सपेरिमेंट टीवी चैनल वालों ने, इसलिए वीडियो का सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। सबसे पहले इन्होंने 150 की बड़ी वाली बोतल में से शैम्पू को जार में डालना शुरू कर दिया। फिर जब जार को वेकिंग स्केल यानी कि कांटे पर रखकर तोला गया तो उसका वजन था 500 ग्राम। बड़ी वाली बोतल के शैम्पू का वजन तोलने के बाद अब बारी थी 150 पैकेट के शैम्पू के वजन तोलने की। तो ये अपनी टीम की मदद से 150 शैम्पूओं के पैकेट में से शैम्पूओं को निचोड़ना शुरू कर देते हैं। जार में पूरा शैम्पू निचोड़ने के बाद जब उसे कांटे पर रखकर तोला जाता है तो उसका वजन रहता है 1000 ग्राम, यानी कि लगभग 500 ग्राम का फर्क रहता है। अब आप सोच ही सकते हैं कि पैकेट खरीदने में कितना ज्यादा फायदा रहता है।